Life is a winding road. No telling where it goes. Driving through days and nights. Won't stop for traffic lights. Are you ready, boys? गाइज अभी हम अपनी बोट से उतरे, अब हम बस में जा रहे हैं क्योंकि जो केव्स हैं वो यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है, 21, 30. कुछ यहाँ पे थोड़ी दूर है, 15-20 मिनट, तो बस से जाएंगे। Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं, देखते हैं आगे क्या है भाई। गाइस चढ़ाई वगैरह शुरू हो चुकी है, अब थोड़ी सी शरीर में गर्मी आएगी। अर्जुन कुछ याद आया? हाँ। मेघालय में सेम केव्स करे थे हमने। क्या तेरे शेर शूट गए थे? गाइस यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे लाइट्स लगवाई हैं बहुत ज़्यादा सपोर्ट के लिए। जब हमने मेघालय में करी थी मैंने और अर्जुन ने, वहाँ पे लाइट्स नहीं थी ऐसी, वहाँ पे अपनी फ्लैश लाइट से ही चल रहे थे। कृष्णा देख क्या, कृष्णा देख के टेढ़ा हो गए पार्ट भाई, टेढ़ा हो गए तो लंबा है देख के। ट्रेन बनी हुई भाई, अब अरे भाई सब लोग जा रहे हैं, हमने एक स्पॉट ढूंढा है फोटो के लिए, ऊपर बढ़िया व्यू है देखो। कृष्ण थोड़ा शर्ट पे हाथ रख, शर्ट पे हाथ रख, ऐसे 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 आए भाई जल्दी का, डेजी जी आ रही हैं, डेजी जी आ रही हैं। बैट साथ है भाई, भागो चमगादड़ पड़ गई तेरी। अभी उधर भी बैट से नहीं भरी हूँ वहाँ पे, उन्होंने बताया ना, दे कैन नॉट सी, दे कैन ओनली हेयर। अच्छा हाँ, तो हाँ मतलब ज़्यादा बोलो मत, आग काट जाएंगे वरना। भाई भीड़ बहुत आई थी, ये बात कह सकते हैं यार, अलग अलग क्रूज के लोग और अलग अलग नेशनैलिटी के लोग। हाँ इंडियंस हो गए, ताइवान के आए थे, और रशियंस आई हैं बहुत पसंद है। हाँ और भी आए बहुत सारे। गाइस आप देख सकते हो एग्जिट को क्या कहते हैं, ठीक है हम मतलब हम एग्जिट बोलते ही रहते हैं मतलब इंडिया में तो स्केरी है यहाँ पे थोड़ा लग जाएगी। गाइस आपको पता लग ही रहा होगा आवाज़ से कि कितनी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, और मौसम तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो रहा है, मतलब मज़ा आ गया। मतलब आइडियल कपड़े पहने, एक शर्ट उसके नीचे, एक टी शर्ट, नॉर्मल जीन्स, बढ़िया। इसे तो हुडी पहनी हुई है, वो मेरी नहीं है वो कृष्णा की है, बट एक्सट्रीमली गुड वेदर, मतलब मज़ा आ गया। अच्छी जगह हो और उसके साथ मौसम भी अच्छा हो तो मज़ा भाई दुगना हो जाता है। अच्छे कपड़े हो और साथ में भाई भाई लोगों, बढ़िया। क्या कर रहा है भाई, वीडियो बना रहा है? इंस्टा स्टोरी व्लॉगिंग। काफ़ी सक्सेसफुल व्लॉगर बन सकता था तू वैसे, मुझे ऐसा लगता है। था का क्या मतलब, अभी भी है क्योंकि फैशन फील्ड तूने वो कर ली है, उसमें मास्टरी कर ली है। हाँ ब्लॉगिंग फील्ड में भी तू कर सकता है कुछ। मैं आना नहीं चाहता इस फील्ड में, मैं दूसरों की मार्केट नहीं खाना चाहता क्योंकि हमारी आपस में लड़ाई हो जाएगी। इसने मेरी मार्केट बचपन से खाई है, मैं नहीं चाहता। बचपन से मैंने ताने सुने कि भाई कृष्णा की तरह बन, कृष्णा की जैसे पढ़ाई में अच्छा बन, ये पार्ट तूने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं, है ना? देखो पार्ट ना आइडियल बॉय था ना कृष्णा, कृष्णा की बुआ का बेटा है ठीक है, और मैं मौसी का बेटा, तो हम दोनों अलग अलग साइड के थे, हम दोनों ने ताने सुने। मेरा बेटा है देखिए, इसको डायलॉग आ रहा था बहुत जोर से, मारने आया मतलब पापा की साइड की फैमिली, मम्मी की साइड की फैमिली, दोनों परेशान हैं, दोनों सारे बच्चे परेशान हैं इससे। तो गाइस समय आ गया है इस प्रॉपर्टी को बाय बोलने का, ठीक है। मैं हूँ यहाँ पे,
बॉयज समय आ चुका है भाई बोलने का। गाइस देख सकते हो ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, सुबह हो चुकी है एंड बॉयज बॉयज ने क्या भाई गलती से मतलब क्या किस्मत है कि सबने बाई चांस सेम ही चीजें पहनी है, मतलब बिल्कुल भी ये डिसाइडेड नहीं था, विदाउट एनी प्लानिंग सबने सेम चीजें पहनी है, ये बोला ना तूने। ये वाली फिक्स रहेगी, ये वाली मूव करेगी। अच्छा वो वाली यहाँ फंसा लो, ये फंसा लो, कुछ उठा के दिखाओ, ऐसे तो कोई भी स्टाइल मार ले। ओ आई अब कृष्णा ने स्किल एक्वायर कर लिया, इसने एक बार देख लिया ना। मैं तो देख ही ना, आपने सबको बताया कि इसको पहले से आती थी। हाँ यहाँ फिक्स कर ले, ये बेस हो गई है ना, फिक्स रहेगी, दूसरी वाली उंगली से हिलाता रहे। अच्छा उस्ताद जी, उस्ताद जी को देखो बराबर तो अर्जुन को आती होगी, 10 कंट्रीज में घूमा, 10 कंट्री में घूमा, दिखाइए सर को, दिखाई सर को, दिखाई एक बार सर, सर ये लो, ये केला खा के दिखाई सर, तब मानूंगा। केला पकड़, केला डांडिया स्टार्ट कर सबसे इजी चीज नहीं पड़ी आ रही बाय पैट्रिक बाय। गाइस क्रूज हमारी ओवर हो चुकी है, ठीक है अब हम यहाँ से अपने होटल की तरफ निकल रहे हैं जो यहाँ से 1-2 घंटा दूर है भाई। फिर से तगड़ी वाली कार आई है हमारे को लेने के लिए, लिमो आई है, ठीक है और फिर से आलिशान, ये मैं आपको दिखाई चुका हूँ, आलिशान सीटें, वाइब्रेटर वाइब्रेटर सब है इसमें। दिस होटल क्या नाम है रोहित? गोल्डन छोटा सा लिखा छुपा हुआ, चलो ना बैठ। लिमो गाइस हम पहुंच चुके हैं हनोई, हमारे होटल के बाहर है जस्ट, और चेक इन वगैरह करेंगे अब। लाइट खोलियो गाइस, रूम इज डिसेंट, काफी डिसेंट, ठीक है हाँ, छोटा रूम है बट यहाँ पे हमने देखा कि पूरी सिटी ही जो है ये बिल्कुल छोटी छोटी है, मतलब दिल्ली के जो कंजेस्टेड इलाके होते हैं वैसा ही है, बिल्कुल सारे घर पास पास हैं, तो हमें एक्सपेक्टेड था कि होटल्स भी बहुत छोटे छोटे कॉम्पैक्ट से ही होंगे और वैसा ही यहाँ पे। और हनोई हम इसलिए हैं क्योंकि ये वियतनाम की कैपिटल है, तो यहाँ आना तो ऑब्वियसली बनता ही था। गाइज अब रूम से निकले थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करेंगे, 900 मीटर दूर यहाँ पे कोई लेक है, वहाँ पे हम जाने का सोच रहे हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा सिटी एक्सप्लोर करते हैं, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे, थोड़ा लोकल फूड एंड एवरीथिंग, भूख भी लग रही है थोड़ी सी। गाइज ये देखो यहाँ पे एक लोकल ढाबा है, ठीक है बढ़िया लग रहा है, ये सोच रहे हैं क्या थाली रेट देखो 25,000, 30,000, 35,000 की थाली है यहाँ पे। मन कर दे गाइज अगर आप लोग वियतनाम आने वाले हो तो नो दिस, यहाँ पे इंग्लिश ऐसा नहीं है कि सब लोग बोलते हैं, बहुत ही बल्कि कम लोग बोलते हैं, तो गूगल ट्रांसलेट ज़रूर डाउनलोड करके लाना, ऑफलाइन कर लेना उसको, मतलब वियतनामीज डाउनलोड कर लेना क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। अभी भी हमने एक बंदे से डायरेक्शंस पूछा तो हमें यही करना पड़ा कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको फ़ोन दिखाया कि भाई क्या है, तो क्या हम बोलना चाह रहे हैं, हाँ तब तो उसने कर दिया। थैंक यू गाइस, यहाँ पे देखो सारा मार्केट लगा हुआ है, कपड़े वगैरह सारे मिल रहे हैं, डिस्काउंट 50% इंडिया वाला ही सीन है गाइस। और कहते हैं कि वियतनाम में ना बहुत अच्छे आपको कपड़े वगैरह मिल जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स की कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग यहीं पे होती है, यूनिक्लो ज़ारा H&M, तो बढ़िया मिल जाएंगे यहाँ पे, हमें भी मिलेंगे तो हम ज़रूर लेंगे, ऑल्दो हमारे बैग में इतनी जगह है नहीं क्योंकि 20 किलो की लिमिट है मेरे लगेज की, तो ऑलरेडी 20 किलो मेरे पास है, तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है बट देखते हैं। गाइस फाइनली कुछ इंडियन चीज मिली, तो भाई हम वहीं जा रहे हैं डोमिनोज पिज्जा, लालच आ गया भाई अब। ओ भाई ये मोमोज वाली चटनी दी है साथ यार, पार्ट भाई खाने नहीं खाने यार, डीएम से रिप्लाई करते रहते पार्ट वाले, बातचीत हो रही है ना अभी, एक तो जरूरी है इंटर मैच है ना जी, कुछ खाया है मैंने 2 दिन से, ऐसा लग रहा था क्यों खा रहे हैं
बाहर तो आंटी पीछे कुछ जजमेंट की वजह से देख रहे, तुम्हें खाना की बुराई कर रहा है, तुम्हें समझ उठ जा रहा होगा बॉडी लैंग्वेज समझ आती है भाई। हाँ रात को ये स्ट्रीट बहुत केड़ी हो जाएगी। देखो काफी सारे लोग घूम रहे हैं और यहाँ पे लेक भी है। क्या नाम है लेक का यार? कृष्णा प्लीज यार इन्फॉर्मेशन दे ऑडियंस को। डल लेक। यार तो मजाक उड़ा रहा है। अबे हुआन कियम लेक है। हुआन कियम? हुआन कियम लेक। फोन से देखा है? हाँ हुआन कियम। हुआन कियम लेक फोन से देखा है और उसका रीजन भी है कि नाम ही याद नहीं हो रहे हैं। सही कह रहा है, सही कह रहा है। एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं क्या नाम। बहुत अजीब अजीब से नाम है यहाँ पे। बोलते बोलते ना आगे जाने वाले गिर जाता। पार्ट वीडियो होती है यार, वायरल आता तू। गाइस कुछ माल तो मिला है हमें, ठीक है, हमें पता नहीं क्या है और उसने जो बताया हमें समझ में भी नहीं आया। ट्राई करना चाहिए हमें। हाँ ट्राई एक लेते हैं, एक लेते हैं। बताया तो लेकिन उसने अपनी भाषा में बोला, अपनी भाषा में बोला, समझ में भी नहीं आया। गूगल ट्रांसलेटर। अच्छा गूगल ट्रांसलेटर हमारी। व्हाट इज दिस? जैसे ट्रांसलेटर में लिखेगा कि व्हाट इज दिस शिट, दिस दिस दिस। पर वो जो बताएंगे वो हमें, हम कैसे समझेंगे? फ्रूट लुक्स नहीं डाल रहा। शी इज लाइक योर शी इज व्हाट इज दिस? फ्रूट लुक्स नहीं डाल रही है। Zeus mop asim likh Zeus mop asim Zeus Zeus likhna Zeus smoke asim इसलिए बोलते पढ़ लेना चाहिए बचपन में भाई। जी डी गोयंका का पढ़ा हुआ है वो, तो हमने इंस्टा बायो में भी लिखा है। मैं जी डी गोयंका की मैनेजमेंट को बोलना चाहता हूँ कि अपना सिलेक्शन प्रोसेस ढंग से किया करो। हाँ बढ़िया। बहुत ठंडा है, मुंह जम जाएगा। ठंडा है, फूंक मार फिर इस पे। धुआं कैसे निकल रहा? क्या कचरी सी है ये? तो बढ़िया। अबे तुम चबाते हो ना तब निकलता धुआं। ऐसे में डायरेक्ट कैमरा स्पॉट नहीं कर सकता ज्यादा, बट ऑब्जर्वेशन ये रही है मेरे पार्ट की कि यहाँ पे यूथ का जो ड्रेस सेंस है, जैसे वो कपड़े पहनते हो, काफी ज्यादा सही है इन कंपैरिजन टू व्हाट यू सी इन इंडिया। आवाज क्यों निकाल रहा है?